उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डामटा में आयोजित 22वें यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आयोजक समिति ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले समारोह में आए लोगों को इगास यानी कि बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये मेला सांस्कृतिक विकास का एक सशक्त माध्यम है। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल करने की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। सरकार खिलाड़ियों को पूरा सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमने कठोर निर्णय लिया है जो देवभूमि के लिए जरूरी है। हमने UCC और नकल विरोधी कानून लागू किया है। 2.5 सालों में 18,000 से ज्यादा युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। इस मौके पर सीएम धामी ने डामटा में खेल मैदान और हेलीपैड बनाने, 65 गांव डांडा देवराणा मेले को राजकीय मेला घोषित करने और यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास मेले के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। और आज मुख्यमंत्री जाने से हमें बहुत खुशी हुई है। अब मुख्यमंत्री हमारी मांगे थी, मांगे पूरी करी है। ये क्या कहते हैं, हमारे सांस्कृतिक समारोह के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की है। हमारे ऊपर क्या कहते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के लिए मुख्यमंत्री ने स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है। देवराणा मंदिर के लिए हेलीपैड और देवराणा मंदिर के लिए घोषणा करी है। अब पॉलिटिकल कॉलेज की उन्होंने देखने की बात करी है, उसमें समिति बनेंगे। हम लोगों को मुख्यमंत्री के आने से बहुत खुशी हुई है। क्षेत्र का विकास भी हुआ है। इसलिए इस प्रकार के आयोजनों को हमारी सरकार भी प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दे रही है।